अभी कितने टाइम हो रहे हैं, 8 बज रहे हैं और मैं आज 6 बजे उठी हूँ। और 8 बजे मैं इतने मेकअप क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ वाटर पार्क, नारंग वाटर पार्क जो ओरमांझी में है। एक्चुअली बहुत दिन से प्लानिंग बन रहा था कि हम लोग जाए, तो क्या होता है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मायरा को नहीं ले जा सकते उतनी गर्मी में। और आज थोड़ी सी मौसम मतलब अच्छी है, मतलब बारिश हुई थी सुबह और अब तो बारिश की मौसम आ ही जाएगी, तो इस वजह से आज संडे है तो सब कोई घर पे है, तो बोले कि चलो वाटर पार्क मतलब आ जाते हैं घूमकर। और भी वाटर पार्क खुले हैं, जैसे रातू पार्क में हुए हैं, खुले हुए हैं, और एक नागपुर, हाँ नागपुर शायद नाम है उसका, वो है। तो वो हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी, हम लोग फिलहाल ओरमांझी जा रहे हैं, वो भी जाएंगे इंशाल्लाह, बट आज हम लोग ओरमांझी जा रहे हैं, ओरमांझी वाले देखते हैं कैसा है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं मुंबई गई थी उस टाइम वाटर पार्क गई 2018 में, और अभी तो 2023 चल रही है, तो सोचो कितनी लंबी हो गई है, मतलब कितनी ज़्यादा दिन हो गई है। 2019 पे गए थे हाँ। और यहाँ पे देखो मायरा रेडी हो रही है, मतलब उसी रेडी होने में इतना मज़ा आता। मुझे लाइनर चाहिए वो ऐसे बोलती है, मुझे लाइनर लगाना है तो लगाना है, तो भाई आप ही उसे लाइनर लगा रही है और मैं तो रेडी हो गई हूँ अभी, जस्ट गेट रेडी विद मी, मैं शूट की। और मैं आपसे फिर सोची कि चलो ब्लॉग बनाते हैं, घूमने जा रहे हैं तो ब्लॉग तो होना चाहिए ना। और वैसे भी मेरे ब्लॉग बहुत कम आ रहे हैं, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे ब्लॉग करने का, ब्लॉगिंग करने का, तो मैं ज़रूर करूँगी और अच्छे से बनाऊँगी और वीडियो भी अच्छे से डालूँगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब मैं जा रही हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। नाश्ता सोच रही हूँ कर लूँ या तो फिर रास्ते में कर लूँ, कुछ भी मैं आपको मतलब बता दूँगी मैं क्या कर रही हूँ। तब चलो चलते हैं। बहुत ज़ोर से भूख लगी है और मैं मतलब नहीं रह पाती हूँ खाली पेट, तो मैं यहाँ पे नाश्ता लेके बैठ गई हूँ। रोटी है, चावल की रोटी, चने की सब्ज़ी है। तो अभी मैं और अमायरा अभी से अच्छे से कर लो, ठीक है? तो अभी मैं और अमायरा जल्दी से नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चावल की रोटी मैं बहुत दिन के बाद खा रही हूँ और ये मम्मी बनाती है और बहुत टेस्टी बनाई है, तो जैसे मैं खाती हूँ उसके बाद मैं निकलती हूँ। तो गाइज़ हम लोग सब निकल गए हैं और 9 बजे निकले, थोड़ी सी लेट हो गई मेकअप करने में, मेरी थोड़ी सी लेट हो गई थी। और लास्ट में मैं ड्रेस चेंज कर रही थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या पहनूं, फिर मैंने ही चेंज की। तो ये ओरमांझी साइड है, आपको तो मैं पहले बताई, तो यहाँ पे मैं पहुँच गई तरंग वाटर पार्क। तो यहाँ पे आपको जाते के साथ कार पार्किंग करनी पड़ेगी, तो कार पार्किंग करो या बाइक पार्किंग करो, आपको 50 रुपीज़ चार्ज लगेगी। तो ये सभी मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी इजी हो जाए कि क्या क्या मतलब वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपकी कार जो है वो सेफ रहेगी। और ये रहा मेरा फुल लुक, ऐसे तो मैं बहुत सारा वीडियोज़ बनाई थी बट वो क्या हुआ और मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो यहीं पे मैं आपको फुल लुक दिखा रही हूँ। तो ये मेरी हमेशा से ऐसी होती है, कभी भी मैं कहीं जाती हूँ तो लास्ट में मैं ड्रेस डिसाइड करती हूँ। यहाँ पे हम लोग पूरे फैमिली है और यहाँ पे मैं और अमायरा अंदर जा रहे हैं तरंग वाटर पार्क। तो यहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, फर्स्ट आप क्या क्या लेकर जा रहे हो ये, तो यहाँ पे आपको मोबाइल कवर मिलती है सेफ्टी के लिए, 50 रुपीज़ या 40 रुपीज़ लगेगी। यहाँ पे अमायरा का हाइट देखा जा रहा था कि अगर वो 3 फीट से ज़्यादा होती तो उसकी भी चार्ज लगती। देन यहाँ पे देखो कितनी बड़ी है गाइज, इतनी बड़ी वाटर पार्क है वहाँ की, मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैं गई थी मुंबई वाली, वैसे ही टाइप की मुझे लगी। और यहाँ पे आपको बेल्ट दिया जाता है, ये बेल्ट आपको लास्ट तक रखना है तो चार्ज लगेगी, गुम नहीं करना ये बेल्ट। तो ये वाटर पार्क लिखा हुआ रहता है तरंग वाटर पार्क, तो ये बेल्ट सबको लगी। और एक मतलब पर पर्सन उसमें 500 लगता है। तो यहाँ पे मैं और मायरा बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ पे देखो कितनी बड़ी ग्राउंड है, और यहाँ पे भी आपको कॉस्ट्यूम अगर आप नहीं लेकर जा रहे हो तो उसमें भी आपको चार्जेस लगेगी, 250 लगेगी, और लॉकर के लिए भी आपको 200-250 लगेगी। यहाँ पे तारिक और आरिफ को देखो, ये लोग अपना पहन कर आया था, इसलिए पहन के नहीं लेकर आया था, देखो सारे कुछ। तो ये सब सारे लॉकर में रहेंगे, तो ये चीज़ अच्छी है। और उसके बाद आपको पैसे भी वापस होती है कुछ, बहुत 250 रखते हैं शायद और सारे पैसे वापस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ब्लू कलर की हम लोग को ड्रेस मिली थी, और सबसे बड़ी मैं क्या की गलती की, ट्राउज़र में उल्टी पहन ली थी, क्या पता कैसे मैं
वो डिपेंडेड पे मैं चेंज नहीं की। और यहाँ जाते के साथ मैं इतना एक्साइटेड हो गई ना, स्लाइड था तो मैं आराम से मतलब जा रही थी। यहाँ पे ताई को बोली वीडियो बना दो, ताई का वीडियो बनाया, मैं बहुत एक्साइटेड थी। देखो ये बड़ी वाली जो है ना उसमें मैं नहीं झूल पाई, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं नहीं वहाँ पे झूल नहीं स्लाइड नहीं कर पाई। देन यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे के लिए भी है, बड़े के लिए भी है, मतलब हर कोई वहाँ जा सकता है। तो यहाँ पे मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। तो अभी तक मैं पानी में नहीं गई हूँ इसलिए मेरे हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं। पानी में जाने के बाद मेरे हेयर ने ख़राब हो गया था ना, तो ये रहा। यहाँ पे मैं ये वाली स्लाइडिंग सारा कुछ की थी और यहाँ पे मैं सबसे पहले जाके मैं यहीं पे भीगी, बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे मैं पिक पिक क्लिक कराई हूँ, बहुत अच्छा है। देन यहाँ पे आपके बकेट में पानी भरते हैं और आप में गिरते हैं, वो भी बहुत मज़ा आता है गाइज। आप लोग ज़रूर जाना तरंग वाटर पार्क, बहुत अच्छी लगी। तो आप भी आ गए कि नहीं? मैं भी मैं उसे बोल रही थी अच्छे से खड़े हो तब वो पानी आएगी आप तुम्हारे ऊपर, मतलब मैं आप ही को बोल रही थी। देन यहाँ पे हम आए, देखो डक में फिश में इतना ज़्यादा वो स्लाइड किया ना, मैं क्या ही बोलूँ, उसे तो बहुत मज़ा आया था। वो भी मुझे भी ड्रेस चाहिए जैसे आप लोगों को मिला है, तो उसके उसके लिए नहीं था इस वजह से। देन यहाँ पे रिंग वाले में हम लोग गए थे तो इसमें पानी से बचना चाहिए, लेकिन हम लोग और भीग रहे थे क्योंकि भीगने में बहुत मज़ा आ रहा था और मौसम भी बहुत अच्छा था, ना धूप था ना छाँव था, एकदम परफेक्ट मौसम था, बहुत अच्छा लगा। अमाया तो यहीं ज़्यादा इंजॉय की क्योंकि और तरफ पानी बहुत ज़्यादा था। फिर हम लोग वेव वाले में गए, ये वेव तो कहो मत, इतना मज़ा आता है वेव वाले में। और अमाया तो बहुत ज़्यादा इंजॉय की है, ये एलिफेंट से पानी आ रही थी तो मैं वहाँ भी गई। अमाया को बोली थी मुझे बकेट वाले में जाना है तो अमाया को बकेट वाले में मैं लेकर गई और ये बड़े वाले में मैं नहीं गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर जाऊँगी ये बड़े वाले में, मुझे बहुत जाने का मन था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी इस वजह से। अगर ज़्यादा भीड़ नहीं होती तो फिर हम लोग भी जाते। तो यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे आ गए थे क्योंकि हम लोग फर्स्ट हाफ में गए थे तो ज़्यादा भीड़ नहीं था, बट सेकंड हाफ में बहुत 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 ज़्यादा भीड़ था। और संडे को आपको पता ही भीड़ रहती है, तो हम लोग बस यही छोटे वाले में दो थे छोटे वाले, उसमें इंजॉय किया और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं बता रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। और लाइनर मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी लेकिन वो वाटर प्रूफ है, लाइनर मेरी कुछ नहीं हुई थी, नमस्कारा हुई थी, काजल थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी। और ये भी बता रही मैं च्युइंगम खा रही हूँ, अभी बोल रही हूँ कि ये वाली स्लाइडिंग में जाऊँगी। अभी देखना ये वाली जैसे मैं स्लाइड कर रही थी आगे में एक आंटी थी उनको भी चोट लग गया देखना। मतलब इतना पहले तो स्पीड नहीं हुई, लास्ट में स्पीड हो गई रही है बच्चे को, देखो व्हील चेयर में। और इतना अच्छा बच्चा था, इतना इंजॉय किया है ना ये कि मैं क्या ही बोलूँ। तो वही तारीख पूछ रहा था। और यहाँ पे हम लोग थोड़े से गए थे वॉशरूम अमायरा को लेकर, फिर उसके बाद फिर हम लोग आ गए इस साइड। और यहाँ पे जो लोग डांस लवर है ना वो लोग यहाँ जाना, यहाँ बहुत मजा आएगा, बहुत फुल साउंड में रहती है और सॉन्ग बजती है और उसके बाद जैसे बारिश होती है ना वैसे ही होती है। तो यहाँ पे तारीख आए थे तो हम मैं भी आ गई थोड़ी सी इंजॉय करने के लिए कैसा लगता है। और देखो मेरी हेयर इतनी ख़राब हो गई थी ना मेरी हेयर। और उसके बाद अब थोड़ी देर के बाद हम लोग चली जाएंगे, पूरी भीग गई थी और बाहर भी कर रही थी तो ज़्यादा ठंडी लग रही थी। अंदर में थी पानी के अंदर तो ठंडी नहीं लग रही थी लेकिन पानी के बाहर जैसे नहीं कर रही थी वैसे ठंडी लग रही थी। और यहाँ पे देखो तारिक उसे हिलाते हिलाते वो खुद गिर गया, जैसे आरिफ कर रहा था वैसे वो भी करना चाह रहा था बट उससे नहीं हुआ। देन यहाँ पे हमारा बोली थी मम्मी थोड़ी सी लेट के हम लोग लेट जाते हैं, तो वही हम लोग पानी में लेट गए थे। और यहाँ पे आप ही की फोटो क्लिक कर रही थी मैं। और यहाँ पे हमारा ड्रेस चेंज कर ज्यादा एंजॉय किया, आप देख सकते हो बहुत एंजॉय किया, ज्यादा भीड़ हो गई। तो आप फर्स्ट हाफ में जाओगे तो आपको ज़्यादा आप इंजॉय कर सकते हो। देन यहाँ से हम लोग निकल गए और देखो मेकअप मेरी कुछ भी नहीं हुई है, लिप लाइनर नहीं, लिपस्टिक तो मैं किसी से बोरो की थी, बोली दे दो थोड़ा सा तो वो मुझे दी और मैं लगा ली। और यहाँ पे तारिक आरिफ वही वाला टी शर्ट पहना हुआ था। देन यहाँ से हम लोग निकल गए, निकलने के बाद ये वाला जो खीरा होता है वो खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। देन उसके बाद हम लोग जो चावल की रोटी बनाए थे वो भी लेकर आए थे तो वो खाए। और वहाँ से आलू चॉप मिल रहा था तो आलू चॉप ले लिए और बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था तो हम लोग वही खा रहे थे, सभी को खा रहे थे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद रेस्टोरेंट भी जाने वाले थे क्योंकि रेस्टोरेंट दूर थी इसलिए हम लोग सोचे कि यहाँ पे कुछ बहुत खा मसाले वाले। और देन यहाँ पे सबकी रिबन कट गई, जरूरी था ना रिबन कटना ना, तो फिर उसके बाद हम लोग को बाहर नहीं आने देता। तो यहाँ पे पंजाबी हवेली गए थे, अगर आप लोग कोई रेस्टोरेंट वहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लोग पंजाबी हवेली जा सकते हो, बहुत अच्छी है। बाहर ही आपको बैठाया जाता है, वैसे रूम भी है और ऐसे करके बाहर आप फैमिली जा रहे हो तो ऐसे बैठाया जाएगा। हम लोग वेज खाए थे क्योंकि वेज बहुत ज़्यादा यम थी, मिक्स वेज थी
और क्या थी, पनीर बटर मसाला थी, एक कड़ी थी, चावल थी और नान थी और सलाद थी। तो यही सब हम लोग लिए थे, बट चावल मैं बहुत ज़्यादा ले ली थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। और फिर उसके बाद जैसे नान आई तो फिर मैं नान में टूट पड़ी क्योंकि मुझे नान के साथ पनीर बटर मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ये वाला चावल थोड़ी से मम्मी को दे दी थी कि मैंने मेरे से नहीं होगा तुम खा लो मम्मी को बोली, तो मम्मी ले ली थी। लेकिन यहाँ पे ये वाली वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी खाने वाली वीडियो, क्या पता क्यों बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी। आपको ये व्लॉग कैसे लगे गाइज, अगर अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और भी बताना कि अगर मैं और वाटर पार्क जाऊँ, जैसे रातू पार्क में भी वाटर पार्क खुली हुई है, क्या बोलते हैं उसे, छोटा नागपुर, हाँ, तो वहाँ मैं जाऊँगी, मे भी बकरीद के बाद जाऊँ या बकरीद से पहले जाऊँ, तो ये भी वो भी ब्लॉग मैं शेयर करूँगी। बट ये ब्लॉग मेरी थोड़ी सी लेट हो जाएगी क्योंकि एडिट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, खुद से एडिट करने के लिए नहीं मैं कर पाती हूँ। बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं खुद से एडिट करके अच्छे से आप लोगों को वीडियो दे पाऊँ। तो वीडियो